যাবে না ভিডিও করবে চুপকে সে ভিডিও করেছে হ্যাঁ কোথায় বাড়ি हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो मैं अभी बांग्लादेश के अंदर हूँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और आज हम देखने वाले हैं ढाका का नेशनल म्यूज़ियम, मतलब बांग्लादेश का नेशनल म्यूज़ियम कैसा है भाई। वीडियो अंदर जो है नॉट अलाउड है, लेकिन मैंने सिक्योरिटी से बातचीत की, उसने बोला बना लेना आप चुपके चुपके से, कोई मसला नहीं है। तो टिकट लेते हैं पीछे से, ये रहा पीछे टिकट काउंटर। और भाई बांग्लादेशी नागरिक के लिए है टिकट 40 रुपये का, और इंडियन के लिए है 300 रुपये का, मतलब 300 टका का। तो पीछे वो रहा गेट देखिए म्यूज़ियम का, तो चलते हैं पहले टिकट लेते हैं भाई। और मैं भी देखना चाहता हूँ बांग्लादेश का म्यूज़ियम कैसा है भाई, किस तरह का है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अंदर जाने के लिए टिकट लेना होगा, लेते हैं पहले टिकट। ये टिकट ले लिया है बांग्लादेश नेशनल म्यूज़ियम, और भाई देखिए 300 रुपये का है भाई, किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं। इंडियन के लिए 300 का, बांग्लादेशी नागरिक के लिए भाई 40 रुपये का, 40 टका। ओके जी, ओके, गो गो गो। बैग चेक, कत टाका लिए मानुष? नो मनी भैया, बैग जमा कर दें इधर, पहले बैग जमा करना होगा यहाँ पर, वो देखिए, और बहुत सारे लोग जमा करते हुए बैग। आउटसाइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, ये गार्डन बना हुआ है और फ्लैग लगे हैं बहुत सारे, सामने लिखा है बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम। बारिश भी स्टार्ट हो गई है भाई, चलते हैं ऊपर, सामने ही लगी है इनकी भाई नेशनल मच्छी, फिश, ये क्या नाम है भाई इसका। ये रहा भाई फर्स्ट में एकदम बांग्लादेश का नक्शा आप देख सकते हैं, और ये नक्शा इस तरह से एक टेबल पर बना हुआ है, काफ़ी बड़ा टेबल है। ये देखिए बांग्लादेश का मैप, सुंदरबन को रिप्रेजेंट करते हुए, ये देखिए बंदर है, मगरमच्छ है, और ये हिरन है। ये देखिए सुंदरबन जो है बांग्लादेश में भी है, भारत में भी है। और ये रहा भाई बंगाली टाइगर, ये देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हुए इस तरह से म्यूजियम के अंदर। 2.5 मिलियन साल पुरानी लकड़ी जो कि बांग्लादेश में मिली है, और ये लिखा है नीचे बांग्लादेश का मैप, और इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया गया है बांग्लादेश के। बांग्लादेश के अंदर टोटल 64 डिस्ट्रिक्ट हैं। इस शोकेस में भाई 10 पत्थर रखे हैं, 1 से लेकर 10 नंबर तक, और सारे पत्थरों की भाई उम्र देखिए कितनी कितनी है। एज इसकी है भाई 570 मिलियन, इसकी है भाई 66 मिलियन। इस तरह से जितने भी पुराने पुराने पत्थर पहाड़ी के टुकड़े मिले हैं बांग्लादेश के अंदर, सबकी उम्र लिखी हुई है भाई इस शोकेस में। ये देखिए ये कितने कितने साल पुराने हैं भाई, ये देखिए ये 5 मिलियन साल पुराना है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल विद मेजर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स, तो ये देखिए इसके अंदर 3 पैराग्राफ हैं भाई, और तीनों पैराग्राफ के अंदर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ये देखिए ये ज़मीन है, मतलब ज़मीन के अंदर किस तरह से बदलाव आए, और ये देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, यानी टाइम में किस तरह से बदलाव हुआ है, किस तरह से धरती के अंदर बदलाव हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। और ये देखिए भाई ये हैं बायोलॉजिकल इवेंट्स, यानी मानव की ज़िंदगी कैसी थी पहले, क्या क्या किया उसने, क्या क्या बदलाव किए और क्या क्या डेवलप किया, देखिए सब कुछ नीचे तक पूरे, तो इसके अंदर भाई पूरा यही दर्शाया है। मेरे चारों तरफ यहाँ पर जितने भी शोकेस बने हुए हैं सबके अंदर लाइम स्टोन पत्थर या पहाड़ी के टुकड़े या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, और भाई सबकी उम्र जो है किसी की भी मिलियन ईयर्स से कम नहीं है भाई, किसी के 50 मिलियन, किसी के 60 मिलियन, किसी के 80 मिलियन, किस तरह से भाई दर्शाया है, मतलब सब चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए मेरे पीछे शोकेस बने हुए हैं, और सबकी उम्र भाई, एज तो भाई बहुत ज़्यादा है भाई सबकी। इस रूम के अंदर हैं प्लांट्स ऑफ बांग्लादेश, ये देखिए ये आ गए भाई प्लांट्स, ये ऊपर है भाई गेहूँ, और यह है धान, और वो रही मक्का, और नीचे भी रखे हैं भाई, ये देखिए भाई गेहूँ, और ये रहे भाई धान, और ये रहे भाई मक्का। और अभी आगे चलते हैं, ये रहे प्लांट्स पौधे, ये देखिए चाय के हैं, कॉफ़ी के हैं, ये रहा देखिए कॉफ़ी का, और ये रहा भाई टी का, और ये देखिए नीचे सैंपल भी लगे हैं इनके, ये है चाय, और ये है भाई कॉफ़ी। जूट सिल्क कॉटन, ये देखिए भाई ये रही जूट का सैंपल, और ये रही भाई सिल्क, ये देखिए, और इसी के बाजू में ये रही भाई कॉटन रबर मेकिंग, ये देखिए भाई रबर का पेड़, ये रहा, और किस तरह से इसको इकट्ठा करते हैं, ये देखिए साइड से आती है रबर और इसमें इकट्ठी होती है, और इस तरह से ये है इसका सैंपल, ये देखिए। इसके अंदर ये दर्शाया गया है कि बांग्लादेश में जो ड्राई फ्रूट होते हैं या फिर जो मसाले वगैरह वो सब पाए जाते हैं, उन सबके शोकेस बने हुए हैं मेरे पीछे तक, जैसे कि भाई हल्दी, मिर्चे, धनिया, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर,
और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं खाने पीने में यूज़ करने वाली, जैसे चना होता है, मटर होती है, तो उन सब के शोकेस हैं जो जो बांग्लादेश में मतलब पाए जाते हैं उन सबको दर्शाया है इसमें। फ्लावर एंड फ्रूट्स, तो भैया ये है फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये आ गया भाई नारियल, और ये ऊपर भाई वाटरमेलन, और ये केले। ये मेरे पीछे जितने भी शोकेस बने हैं इन सब शोकेसों में जो है दर्शाया गया है बांग्लादेश के अंदर जो सब्जियां होती हैं और फल होते हैं, तो सभी तरह के फल जो अपने इंडिया में पाए जाते हैं उसी तरह के फल हैं सारे और सब्जियां भी हैं। तो ये लाइन से पीछे से मेरा आप देख सकते हैं इस तरह से मतलब सभी तरह की सब्जियाँ लगी हैं, जैसे मूली, गाजर और करेले, भिंडी और तुरई, आलू, वो सब सारी चीज़ें इन शोकेसों में दर्शाई गई हैं, वो ये जो सब्जियाँ वेजिटेबल हैं। मल्स, तो भैया जानवरों का सेक्शन आ गया है, अब देखने को मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें। और फ्लाइंग स्नेक यानी उड़ने वाला सांप, ये देखिए पेड़ के ऊपर इस तरह से बैठता है, ये भी पाया जाता है यहाँ पे। और इसके बाजू में है ये, इनको तो सब जानते हैं, कोबरा। ये देखिए भाई, ये रहे भाई येल्लो मोनीटर, और इसी के सामने है भाई बंगला मोनीटर जो बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ये देखिए, यह है बंगला मोनीटर भाई, भाई रोम की पाइथन। ये देखिए यार इसकी मोटाई और लंबाई भाई, ये भी बांग्लादेश में पाया जाता है भाई। पीछे तक इसकी डिटेल लिखी है यहाँ पर, ये देखिए इसकी डिटेल, लेंथ होती है भाई इसकी 396 सेंटीमीटर। ये रही शाउफिश जो बांग्लादेश के समुंदर में या पानी के अंदर पाई जाती है, ये देखिए भाई इसकी काफ़ी हाइट है यार। इस सेक्शन में सारे सी एनिमल और थोड़े से लैंड एनिमल हैं जो रेंगने वाले हैं वो सब, तो मेरे पीछे तक आप देख सकते हैं जो जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, जैसे मछली हैं, कछुए हैं, सांप हैं, या फिर बहुत तरह की जो मछलियाँ होती हैं वो सब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है भाई, उनको सबको मतलब शोकेस में लगाया है जो जो बांग्लादेश में पाए जाते हैं स्पेशली। ऑफ बांग्लादेश, ये देखिए भाई बर्ड्स हैं, चुड़िए पक्षी जो जो बांग्लादेश में पाए जाते हैं वो सब तार पर बैठे हुए हैं भाई, कोयल है, चुड़िया है और खम्बा भी है भाई। हाँ भाई लाल मुंह का बंदर, ये देखिए बंदर पीछे से लाल होते हैं लेकिन इसका मुंह लाल है। देखिए भाई कितनी बड़ी वेल यहाँ पर पाई गई थी सन 1988 में कॉस बाज़ार बीच पे बांग्लादेश के, इसकी भाई लंबाई है पूरी 44 फीट, और ये उसका ऑब्जेक्ट है मतलब पूरा बनाकर इन्होंने दर्शाया है म्यूज़ियम के अंदर। ये देखिए भाई कितनी लंबी है इसकी लंबाई। पीछे वाले सेक्शन में बांग्लादेश के अंदर किस तरह के पक्षी पाए जाते हैं और यहाँ पर जंगलों में किस किस तरह के चुड़िए पक्षी सब बर्ड्स होते हैं, तो उन सबको दर्शाया गया है। काफ़ी मतलब इंडिया से मिलते जुलते हैं सब, जैसे जैसे इंडिया में पाए जाते हैं ना उसी तरह के हैं वो भी सब। लाइफ इन बांग्लादेश, तो भैया ये हो रही है फार्मिंग, ये दो बैल हैं और ये मानुष मतलब आदमी फार्मिंग कर रहा है खेत के अंदर, और सामने ही इसकी बीवी वाइफ वेट कर रही है, खाना लेकर आई है। ये देखिए बांग्लादेश का लाइफ स्टाइल, मिडिल क्लास फार्मर, ये आप देख सकते हैं ये लोग चूने को घोटते हुए। और ये रही भाई झोंपड़ी घर, और इसके अंदर आदमी कुछ पीता हुआ है, ये देखिए बैठकर, और बर्तन भी रखे हैं ये देखिए। तो इस तरह की लाइफ होती थी भाई बांग्लादेश के विलेज में पहले। बांग्लादेश की विलेज मार्केट को दर्शाते हुए ये देखिए इस तरह की मार्केट होती थी, और ऐसे लोग फूड सेल करते थे, लोहे को कोयले पर गर्म करके और कोई भी औजार मतलब जैसे बनाते हैं लोहार लोग इस तरह से। ये देखिए इसको दर्शाया गया है, लाइफ स्टाइल है फिशमैन का। ये देखिए मछलियाँ ऐसे सूखती हैं, और वो सामने आदमी मछली पकड़ने के लिए आया है। ये हैं छबड़े, छबड़ियाँ और बैठने के लिए जो बांग्लादेश में यूज़ होते थे, और ये रहे भाई औजार जो बांग्लादेश में यूज़ होते हैं हाथों से, वो रहा हल, और ये रही भाई टोपी सर पे लगाने की मछली पकड़ने के लिए। बांग्लादेश में पान बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये रहा उस तरह वगैरह, और वो रहा पान रखने का डब्बा क्योंकि इस तरह से, और ये रही भाई चक्की। ये पीछे वाले सेक्शन में इसमें बांग्लादेश का लाइफ स्टाइल, बांग्लादेश की ज़िंदगी को इस तरीके से दर्शाया है, आपको एकदम रियल लगेगा मतलब मछली कैसे पकड़ी जाती थी, फार्मिंग कैसे करते थे, या फिर बाज़ार कैसे लगते थे, मछली पकड़ने कैसे जाते थे, तो सभी तरह से कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है इस पीछे वाले सेक्शन में। मुझको सबसे ज़्यादा मज़ा इसको देखने में आया, और बहुत सारे आइटम और औजार जो यूज़ करते हैं बांग्लादेशी लोग काम करने में, या फिर मछली पकड़ने में, या फिर फार्मिंग में, तो वो सब चीज़ें हैं पीछे। बांग्लादेश के अंदर किस तरह की बोटें चलती हैं वही सब चीज़ों को दर्शाया है। और ये देखिए भाई काफ़ी बड़ी बोट बना रखी है इस रूम के अंदर, ये एक काफ़ी लॉन्ग है, और इसमें पूरे शोकेस के अंदर सब वही लगा हुआ है, यानी कौन कौन सी बोटें होती थी बांग्लादेश में। और ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से स्ट्रक्चर बने हुए हैं बोटों के छोटे छोटे। यह है पुरानी ड्रेस जो पहले के लोग पहनते थे बांग्लादेश में, इस तरह के जेवर और जेवरात यूज़ करते थे। ये देखिए कड़े वगैरह,
गले में पहनने के हार, ये देखिए बना है नक्शा ये भाई। इस म्यूजियम के अंदर सभी चीज़ों को इस तरह से दर्शाया गया है, देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं रियल में देख रहा हूँ भाई, पुराने टाइम में आ गया। चाहे वो यूज़ करने वाले औजार हों या फिर ये मटके वगैरह बर्तन वगैरह हों या फिर ये कपड़े हों ये फिर ये मटके औजार ये सब बैठने के लिए या फिर ये जेवर जेवरात औरतों के लिए या फिर ये कपड़े और पीछे की तरफ भी जेवर, तो सभी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से दर्शाया है कि देखने में एकदम रियल लग रहा है कि जैसे आज ही है सब कुछ। पोर्ट्राइज तो भैया यहाँ मिलेंगे आपको घड़े मटके सब जो बांग्लादेश के अंदर बनते हैं या यूज़ होते हैं या पुराने हैं। ये देखिए ये पुराने बर्तन हैं सारे जो बांग्लादेश में यूज़ होते हैं या होते हुए आए हैं, जार हैं, मटके हैं और मटकियाँ हैं, हांडी हैं। ये देखिए पूरे इस सेक्शन में यही सब लगे हैं, इसमें मटके ओल्ड भी हैं नहीं, कोला बागर मटको ये देखिए सब लगे हैं भाई। यह है देखिए जिससे सिक्के बनते थे, पैसे बनते थे पुराने टाइम में, उसकी मशीन है ये। और ये देख सकते हैं आप इसके अंदर लोहे के रोड पड़े हुए हैं आगे छोटे छोटे। यह बारी आई थी ऐतिहासिक चीज़ें देखने की और म्यूज़ियम बंद हो रहा है यार, चलते हैं बाहर। ये देखिए सिंहासन और पीछे की तरफ बहुत सारे ऐतिहासिक पुराने ये सब हिस्ट्री से मुतालिक चीज़ें हैं सारी। और भाई बंदूकें, ये देखिए बंदूकें इस पूरे सेक्शन में है आज़ादी से मुतालिक बहुत सारी यादें बांग्लादेशियों की। ये देखिए पीछे शेख मुजीबुर रहमान और पीछे चारों तरफ पूरे रूम के अंदर इसके अंदर वही सब दर्शाया है, यानी आज़ादी के टाइम पे किस तरह की परेशानियां आई और क्या क्या किया बांग्लादेशियों ने, कितनी कुर्बानियां दी, वही सब कुछ है भाई इस पूरे उसमें। और ये मीनार बनाई गई थी याद में, ये देखिए शहीदों की। म्यूजियम के हैं भाई चार फ्लोर और बहुत कुछ मिस कर दिया मैंने भाई इसके अंदर, बहुत कुछ देखना बाकी था। ये आप देख सकते हैं ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है, मतलब पूरी दुनिया की जो सिविलाइजेशन है किस तरह से, मतलब किसका कल्चर कैसे स्टार्ट हुआ, कौन सी सभ्यता कितनी पुरानी है, वो सब सारी चीज़ें इस पूरे। ये पीछे मेरे मोहनजोदड़ो और ये इंडियन सिविलाइजेशन। तो भाई 4:30 बज गए हैं और म्यूज़ियम के बंद होने का टाइम हो चुका है और हो गया है बंद म्यूज़ियम, तो इसलिए बाहर आना पड़ा भाई। हालांकि मैंने चार फ्लोर देखे म्यूज़ियम के अंदर, चार फ्लोर हैं पूरे, बस दो फ्लोर को ही सही से देख पाया या एक्सप्लोर कर पाया, बाकी के जो दो फ्लोर थे ऊपर के उनको मैं अच्छे से नहीं देख पाया। और उन दो फ्लोर पे भाई पूरे वर्ल्ड की जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में दर्शाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। और बाकी के जो दो फ्लोर थे भाई इनको देखने में भी मुझको काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा भाई। म्यूज़ियम मैंने बहुत देखे हैं इंडिया में भी कतर में भी, तो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है भाई ये भी, काफ़ी मज़ा आया देख के सब कुछ। और सारी चीज़ों को भाई बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश का कल्चर है या फिर बांग्लादेश के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं या फिर बांग्लादेश में मछली कैसे पकड़ते हैं या फिर किस तरह का जीवन था पहले लोगों का, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। तो काफ़ी मज़ा आया देखने में, बहुत अच्छा लगा म्यूज़ियम। और ये देख सकते हैं आप पीछे चार फ्लोर हैं इसके और नेशनल म्यूज़ियम जैसे नाम है इसका, तो सारी नेशनल ही चीज़ें हैं, काफ़ी मज़ा आया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हम आपके लिए इस तरह के ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। फ्रॉम यू बांग्लादेश कोथाई बाड़ी है रंगपुर डिवीज़न रंगपुर, हाँ की नाम तुम्हार पिया, पिया फुल नेम पिया एंड शॉर्ट नेम, थैंक यू वेलकम।